चलिए एक एग्जांपल हम समझाते हैं यहाँ पे, देखिएगा। अगर मान लो कि अगर हम कह दें कि एक क्यू है, ठीक है, यहाँ पे कोई यहाँ पे बिंदु आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस बिंदु आवेश के जस्ट यहाँ पे हमने कहा कि कोई यहाँ पे परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया। क्या रखा हुआ? क्यू नॉट। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे जो ये आवेश है, ये बिंदु आवेश क्यू जो है, ये इस पे एक बल आरोपित करेगा, तो बल होगा एफ वन। मान लो कि एफ, यहाँ मान लीजिए बाबू कि एफ बल आरोपित कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसकी क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, हम कहते हैं कि इसकी दूरी ये आर है। क्या है? ये आर है। तो यहाँ से कुछ आर दूरी पर रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा, E इज इक्वल टू एफ के जगह अगर हम कहें कि कूलम्ब के नियम से अगर हम बात करते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। यही हुआ ना? कोई दिक्कत? के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एफ के जगह रख दिया जाए तो यह हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर और नीचे क्यू नॉट। अच्छा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, ई बराबर क्या हो जाएगा, के अपान के क्यू अपान आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो एक नोट पॉइंट लिखेगा, उसमें लिखवा दे रहे इस पॉइंट को।